कितनी बड़ी साजिश है लाहौर हाई कोर्ट को कमजोर करने की, क्योंकि वहां पे एक ऐसी चीफ जस्टिस बैठी है जो डिक्टेशन पे काम नहीं कर रही और उसके खिलाफ जो है वो पिटीशन फाइल कर दी गई, बजाय इसके कि ये कहते हैं कि जो जजेस जिन पे एलिगेशन आए हैं वो आप अपने ओहदों से हट जाएं, उल्टा चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो आपने पिटीशन दायर कर दी है। इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो दलेर जजेस उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनके ऊपर जो है वो कोई इस वक्त जो है वो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और फिर एक ओवरऑल जो सिचुएशन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अवाम की राय कोई हैसियत ही नहीं रख रही। आपने देखा कि पाकिस्तान की इस वक्त इररेलीवेंस, हमारे हमसाये के अंदर इसराइल ने हानिया साहब को शहीद कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर, दुनिया में पाकिस्तान को कोई किसी ने इसके ऊपर जो है वो अहमियत नहीं दी। चाइना ने इसराइल के मामले के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई, 10 मुल्कों को बुलाया, पाकिस्तान को जहमत नहीं दी गई। सऊदी अरेबिया ने 5 इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ को किसी ने पूछा नहीं। 7 महीने हो गए हैं, किसी यूरोपीय यूनियन लीडर्स ने फोन नहीं किया हमारे वजीर आजम को, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, अमरीका का तो चले छोड़ ही दें। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा है और इस वक्त जो लीडरशिप है पाकिस्तान की उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और बदकिस्मती से अपोजिशन भी अलायंस ना बनाने की वजह से तितर बितर है, तो पाकिस्तान का इस वक्त सियासी जो एक मुस्तकबिल है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे हल कैसे होती है।